मेरे मजदूर मेहनतकश हारी भाई तरक्की पसंद साथी सुर सलाम। 74 साल हो गए, हम लोगों के हालात उसी तरह ही हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमें उम्मीद लगी थी वो उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं, बल्कि दम तोड़ चुकी है। अब हमारे जहनों में सवाल तो उभरता है कि इन 74 सालों में हमारी हालत क्यों नहीं बदली। हाँ, हालत बदली है तो जागीरदारों की, सरमायादारों की, उमरा की, इंतजामिया के अफिसरान ब्यूरोक्रेट्स की और फौजी जर्नेलों की हालत बदली है। हालत नहीं बदली तो मेहनत कशों की हालत नहीं बदली, हालत नहीं बदली तो मजदूरों की हालत नहीं बदली, हालत नहीं बदली तो किसानों, हारियों, मुजाहिरों की हालत नहीं बदली। आखिर क्यों, इसकी वजूहात क्या है? ये हमारा पोसीदा निजाम है, ये सरमायादाराना निजाम जिसने हमें भूख दी है, हमें अपराध दिया है, हमें खुराक की कमी का शिकार किया है, तालीम से महरूम रखा गया है, इलाज की सहूलतों से महरूम रखा गया है, इंसाफ से महरूम रखा गया है। इस निजाम ने, सरमायादाराना निजाम ने जो सरमायादार रियासत की साख्त है वो है 4 इदारे, पार्लियामेंट, अदलिया, इंतजामिया और फौज। हमने उम्मीदें बांधी थी इसी पार्लियामेंट से कि ये जागीरदार, ये सरमायादार हमारी हालत को बदलेंगे, हमें इस अफलास की दलदल से निकालेंगे, लेकिन अफसोस उन्होंने तो अपनी जायदादें, अपनी दौलत में इजाफा किया है, गरीब की हालत वही गरीब ही रही। यहाँ थर में बहुत पसमानदा इलाका है, ये जो थर जुल्म जबर है ये तो हर जगह है, लेकिन थर जो है वो कहीं ज्यादा पसमानदगी का शिकार है। यहाँ ना तालीम की सहूलियतें हैं, ना यहाँ पर सेहत की सहूलतें हैं, यहाँ पर लोग रिजाई की लम का शिकार है, यहाँ पर नौजवान नस्ल अब बेरोजगारी का सामना कर रही है। ये आखिर कब तक ऐसे चलेगा? ये जिन लोगों को हम पार्लियामेंट में भेजते हैं वो जाकर सौदागर बनकर हमारी वोटों का सौदा करते हैं और हमारे वोटों से ही वो अपनी हालत को बदल देते हैं, लेकिन हमारी हालत वही की वही रहती है, बल्कि अब तो और बदतर होती जा रही है। तो पार्लियामेंट से उम्मीदें वाबस्ता रखने वाले हम मायूस हो चुके हैं इस पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट मसले का हल नहीं है, ये सरमायादार पार्लियामेंट हालत नहीं बदलेगी। अदालतों के धक्के भी तो गरीब खाता है, कहां इंसाफ मिलता है गरीब को, आम आदमी को कहां इंसाफ मिलता है? इंसाफ तो खरीदना पड़ता है, इंसाफ उसका है जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है। और इंतजामिया, ये थाने, ये पटवारखाने, ये कचहरियां, ये भी तहफ्फुज़ देती है तो सरमायादारों को, जागीरदारों को, बड़े लोगों को, और गरीब अफलास लोग सदा लोगों को धक्के ही मिलते हैं, उनको ना इंसाफी और जबर ही मिलता है। आखिर ये जब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? फौज जिसको हम, हमें बताया जाता है कि सरहदों की हिफाजत के लिए है, लेकिन ये भी तो
अपनी प्रॉपर्टी की डीडी में डीएचए बनाने में और अपने जनरेटरों की लूट मार और उनकी दौलत में इजाफे में लगी हुई है। ये रियासत के चारों इदारे पार्लियामेंट, अदलिया, फौज, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी, ये अगर तहफ्फुज करती है तो सरमायादारों और जागीरदारों के मफादात का तहफ्फुज। तो हम लोगों को क्या करना है? हम कब तक इन इदारों की तरफ देखेंगे? हम कब तक इन सरमायादारों और जागीरदारों से तरफ को रखेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदले, हमारे बच्चों के हालात बदले, हमारे आने वाली नस्लों के हालात बदले, तो हमें खुद इस जबर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी होगी। ये अमन अमान का राह अपने वाले, ये अमन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले, इनको हमें बताना है कि अब हम जाग चुके हैं, अब हम अपनी हालत के बदलने के लिए खड़े हो गए हैं और ये हमने मिलकर एक इस निजाम को उखाड़ने के लिए जिद्दोजहद करनी है। तीन निजाम है दुनिया में, एक ये मौजूदा सरमायादाराना निजाम, दूसरा एडियोक्रेसी एडियोलिज्म का निजाम मजहबपरस्ती के दावेदार है, और तीसरा निजाम सोशलिज्म है। बाकी निजामों पर मौजूदा निजाम और आइडियलिज्म को हम जानते हैं, इसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है, इसने हमें कुछ नहीं दिया है। हमें पढ़ना है तो आप सोशलिज्म की तरफ पढ़ना है, हमें पढ़ना है तो अपने गरीबों की हालत के बदलने के निजाम की तरफ पढ़ना है। हम अब निजाम को तब्दील करने के लिए अगर जिद्दोजहद करेंगे तो हम सिंघारी कमेटी की तरफ जुड़ेंगे, हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की तरफ जुड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान आप लोगों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, इसकी कयादत आम आदमियों के हाथ में है। तो हमें अगर मजबूत करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करना है और फिर इस हकीकी तौर पर इस निजाम को बदलना है और अपनी हालत को भी बदलना है। सोशलिस्ट इनकलाब जिंदाबाद, सोशलिस्ट जिंदाबाद।